कोई बात नहीं, पत्थर डाल पत्थर डाल। गगन तू इधर हो जा साथी। हो एक कोबरे की खोज थी जो सर्दी में घूमने आ गया था, और साले एक है या दो है? ये तो यार चटा नहीं लगता, नहीं रहा मुझे। एक है, एक है, एक है, बड़ा भारी है। हटा पत्थर का, ये आगे तेरे अभी, ये आगे से पत्थर के नीचे आ गया। एक ही है या पांच छह साल हो गए इसे? ऐसा मैसेज वहाँ हुआ वेडिंग पॉइंट में, हम तो जाए में एक दूसरे से मिल गया दूसरा। जहाँ जहाँ बड़ी ढेर है ना वहीं जाएगा। तुम इधर आ, इधर से इधर करो, उधर ले जाएंगे साथ में, उधर जाएंगे उधर साइड। इधर आ जाएंगे फिर उसे पत्थरों में ले जाएंगे उधर ही। साफ करो, साफ जगह ले जाओ ना, वो जगह तो नहीं। पत्थर डाल दे यार, ये वाला चीज से कैसे पकड़ा दे ना। ये रहा, आप पत्थर यार यहां पीछे खड़े देना, इधर नहीं आना फिर। यानी ये बस साथियों, ये सांप आखिर पकड़ा गया। करीब 18-20 साल इसकी उम्र होगी। बड़ा दुख हो रहा है इसके घर से बाहर निकालते हुए, परंतु क्या करें कि लोग डंडा ले खड़े मारने के लिए। सांप को तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना आप 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें। छोटा ही है और काफ़ी उम्र है इसकी। देखिए सुरक्षित इसको पकड़ लिया गया। अभी तक तो इसके साथ ज़्यादा कोई छेड़खानी की नहीं गई, और अब ये गुस्से में आ रहा है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको और आपके परिवार को खतरा हो। सांप को साहब बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर, सांप की सूचना आप 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें। और ये झोली के अंदर गया और चाय बाहर। धन्यवाद आपका भी। आपको सांप की सूचना दी थी चांदमारी में, हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़ के उन्होंने अपने उसमें ले लिया हुआ है उसे अपने कब्जे में। तो खतरनाक सांप था वो, काफ़ी टाइम से इधर हमारे क्षेत्र में घूम रहा था। तो आज जो है वो पकड़ के उन्होंने अपने उसमें हैंड ओवर कर लिया। धन्यवाद बहुत बहुत तेरे भाई का। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये वो ट्रेन जहाँ पर नशा का गैंग बैठता है, नशा करते हैं लोग, चाहे वो शराब का हो, चाहे कैप्सूल का हो, चाहे इंजेक्शन का हो। सांप को पकड़ना ही नहीं, सांप को सुरक्षित उसको उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ना, ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती होती है। 2-4 किलोमीटर सांप पकड़ने जाना पड़ता है, 2-4 किलोमीटर जंगल में आना पड़ता है, 8-10 किलोमीटर का हमारा इन सांपों के चक्कर में फेर लगता है। और इसको मैं इसके प्राकृतिक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर सांप की कमियाँ हैं, यहाँ पर काफ़ी सांप हमारे द्वारा छोड़े जा चुके हैं, और इसको मैं छोड़ रहा हूँ ताकि ये भी सर्दी में बच सके और इसको इसका पर्याप्त भोजन मिल सके। हम तो इसको बहुत आराम से पकड़ के लाए, अभी देखेंगे ये आराम से जाएगा या धमका के जाएगा। प्राकृतिक वास है ये तो,
बड़े आराम से अंदर बैठा हुआ है। साथियों सांप को उसके प्राकृतिक में छोड़ देगा, सब जगह बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना एक स्वाट को दें, वनवाग को दें या हमें दें, ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपको और आपके परिवार खतरा हो। देखिए ये नशे के लाए जाते हैं, नशे की चीज़ है ये, और नशा आता है से लोग दे जाते हैं। कोशिश करते हैं हम भी ऐसी जगह पर सांप छोड़ने की, ताकि 100 में 2-4 लोग तो यहाँ पे आना बंद करें।